दोस्तों, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ये आंकड़ा आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में इस समय बेड्स की कमी है। जो भी कोरोना वायरस के पेशेंट है, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उनको बेड तक नसीब नहीं हो रही है। वो बेचारे बाहर ही मर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मरीज हैं जिनका घर पे भी ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन वो आईसीयू में है। अब तो डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट है उनको घर पे ही ट्रीटमेंट करवाएं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे ही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम घर पे ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो माइल्ड पेशेंट है या मॉडरेट पेशेंट है, या अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की जो तबीयत है उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है, या फिर तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, तो उस केस में क्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि घर पे रहकर कोविड के पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट करें। लेकिन आपको बता दें कि इससे बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। सच बोलो तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डरने के बजाय आप सेफ्टी प्रिकॉशन का खास ख्याल रखें। दोस्तों, अब मैं आपसे वो चीज शेयर करने वाला हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। यहां तक कि अखबार में भी वो चीज देखने को नहीं मिलती है। इवन न्यूज चैनल वाले भी नहीं बताते हैं, वो तो और उल्टा डराने का काम करते हैं। देखिए, कोरोना में फीवर बहुत ज्यादा तेज रहता है, एकदम हाई टेम्परेचर रहता है। अगर आपका हल्का फल्का बॉडी पेन कर रहा है और 99 टेम्परेचर है, यानी 99 बुखार है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको कोरोना नहीं हुआ है। अगर आपको तेज बुखार के साथ साथ सर्दी खांसी जुकाम है और बलगम वाला कफ आ रहा है, तो समझिए वो वायरल फीवर हो सकता है। या फिर खांसी और जुकाम है और बलगम वाला कफ आ रहा है, तो समझिए आपको कोरोना नहीं हुआ है। दोस्तों, कोरोना को लेकर एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर। लोगों ने ये मिथ बना दिया है कि भाई जिसको भी सर्दी खांसी बुखार है वो कोरोना का पेशेंट हो गया। बट एक्चुअल में ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हो सकता है कि वो नॉर्मल वायरल हो, नॉर्मल वायरल इन द सेंस ऑफ की जो आमतौर पर लोगों को होते रहे, लाइक सर्दी खांसी बुखार मौसम चेंज होने की वजह से। क्या इससे पहले लोगों को सर्दी खांसी बुखार नहीं होता था? देखिए, सिम्टम्स जो है, यानी लक्षण जो है, वो मैच करते हैं नॉर्मल वायरस से जो आमतौर पर लोगों को होते रहते हैं। लेकिन कोरोना वायरस का जो सिम्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि कोरोना वायरस जिस पर्सन को होता है उसको बहुत ही ज़्यादा तेज फीवर होता है और उसको सूखी खांसी होती है और बलगम बिल्कुल भी नहीं होता है। ध्यान दे दोस्तों, आमतौर पर जब लोगों को तबीयत खराब होती है, सर्दी खांसी बुखार वगैरह, तो कफ भी निकलता है, लेकिन कोरोना वायरस में कफ नहीं निकलता है। इवन कोरोना वायरस के जो पेशेंट है वो खांस भी नहीं पाते, वो करके ऐसे ही रह जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े हैं, वो बिल्कुल स्पंज की तरह होते हैं। अपने स्पंज स्वीट जरूर खाया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने ये चीज भी नोटिस किया होगा कि स्पंज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और वो फुलता पिचकता भी है। ठीक उसी तरह हमारे फेफड़े भी वैसे ही हैं। लेकिन कोरोना वायरस क्या करता है कि उसको सख्त बना देता है, जिससे फेफड़े की जो पावर होती है खुलने और बंद होने की, जब हम सांस लेते हैं तो खुलता है और बंद होता है, तो फेफड़े की जो पावर है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से कोरोना के मरीज को मशीन के ऊपर सांस लेना पड़ता है, क्योंकि फेफड़े जो हैं वो फूल नहीं पाते हैं। लेकिन इससे ज्यादातर लोग डरे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। सच बोलो तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको सेफ्टी और प्रिकॉशन का ध्यान रखना होगा। अगर मान लीजिए किसी इंसान को कोरोना वायरस हो भी जाता है, अगर उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ी सी सर्दी खांसी बुखार होगा, फिर वो 2-3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को बॉडी के अंदर ही मार देगा। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है ताकि कोरोना वायरस से फाइट कर सके। लेकिन उससे जरूरी बात यह है कि आपका इम्यून सिस्टम तभी काम करेगा जब आपका दिमाग सही ढंग से काम करेगा। अभी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कि जो भी कोरोना पेशेंट्स है वो मर रहे हैं, तो ऐसे में मरीज के अगल बगल वाले भी मर जाते हैं, तो सामने वाले इंसान को एकदम शॉक लगता है, हार्टबीट बढ़ने लगता है, बीपी डाउन हो जाता है, और वो ये सोचने लगता है कि कहीं अब मेरा नंबर तो नहीं है। इसी वजह से लोग अब जीने की उम्मीद छोड़ने लगते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान को कभी भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक लाइन है कि जब तक आप अपनी मनस्थिति नहीं बदलेंगे तब तक आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगा। आपको बता दें कि 80% मरीज खुद से ठीक हो सकते हैं, अपना माइंड सेट करके, पूरी हिम्मत से काम लेके। आपने प्लेसबो इफेक्ट के बारे में सुना है? एक मरीज रहता है और वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने हर जगह दिखा लिया लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक काम करो, तुम 2 दिन बाद आओ। फिर वो 2 दिन बाद जाता है और डॉक्टर एक कैप्सूल देता है और कहता है कि भाई ये दवाई हमने तुम्हारे लिए अमेरिका से मंगवाई है, ये खाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और सही मायने में वो ठीक भी हो जाता है। आपको पता है कि वो दवाई क्या थी, वो कैप्सूल क्या थी? वो एक खोखली कैप्सूल थी, उसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं था, फिर भी इतना ज्यादा इफेक्टिव कैसे बन गया? तो मैं आपको बता दूं कि बिलीफ सिस्टम की वजह से। दोस्तों, अगर आप बीमार हैं और मन ही मन ये विश्वास कर रहे हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं,
तो सच में आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में मैंने इसलिए बताया ताकि जो भी कोरोना पेशेंट्स हैं वो कोरोना से फाइट कर सके। इसका एक और उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है और उसको कोरोना नहीं है, फिर भी डॉक्टर उसे एक पॉजिटिव कोरोना का रिपोर्ट दे देता है, फिर सोचिए उसकी क्या हालत होगी। उसका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा और वो ये सोचने लग जाएगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। मतलब थोड़ी ही देर में उसकी हालत खराब हो जाएगी। फिर कुछ ही देर में डॉक्टर वापस आता है और कहता है सॉरी, ये जो रिपोर्ट है वो किसी दूसरे की है, नाम सेम होने की वजह से गलती से आपके पास चला गया, सॉरी आपको कोई कोरोना नहीं है। फिर वो बंदा एकदम से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस बात से हमें क्या समझ आ रहा है कि सारा खेल जो है वो दिमाग का है, कि आप क्या सोचते हैं। इसलिए कभी भी कुछ भी हो तो आप घबराएं नहीं, पूरी हिम्मत से काम ले। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कोरोना पेशेंट को घर में ट्रीटमेंट कैसे करें। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो कोरोना पेशेंट है वो माइल्ड पेशेंट है या मॉडरेट पेशेंट है। अगर कोरोना के सारे सिम्टम्स हैं, यानी सारे लक्षण हैं, लाइक सर्दी खांसी बुखार हो रहा हो, खाने का टेस्ट चला गया हो, कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहा हो, और अगर ब्रेथलेसनेस वाली प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप आराम से घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोविड पेशेंट को एक रूम में आइसोलेट कर दे, उसके बाद घर के किसी एक सदस्य को ये जिम्मेदारी दे दे कि भाई आप इसकी देखभाल करेंगे, ताकि घर के सभी लोग उस पेशेंट से इंटरेक्ट ना कर पाएं। क्योंकि अगर सभी लोग इंटरेक्ट करेंगे तो पूरी फैमिली को कोरोना वायरस हो जाएगा। इसीलिए कोई एक ही बंदा देखभाल करेगा, तो उसके लिए एक थर्मामीटर और एक ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ेगी। थर्मामीटर फीवर चेक करने के लिए और ऑक्सीमीटर पल्स चेक करने के लिए, ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए। ऑक्सीमीटर का बड़ा फायदा है, वो एट अ टाइम बता देता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तो उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं प्रिकॉशन लेने के लिए। तो फिर उसके बाद आप एक चार्ट बनाएं और दिन में कम से कम 2 या 3 दफा लिखें कि बुखार कितना था, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कितना था, पल्स कितना था। जब एक पूरा चार्ट बन जाएगा तो उसे डॉक्टर को दिखाएं, फिर डॉक्टर मेडिसिन चेंज करने के लिए बोलेंगे या फिर कोई टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे, तो आपको वो चीज़ कराना पड़ेगा। अगर डॉक्टर आपको घर पर ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं तो उसके लिए एक जरूरी हो जाता है डेक्सामेथासोन। अब ये डेक्सामेथासोन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब इंसान ऑक्सीजन पे रहता है और उसे फीवर है, तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए डेक्सामेथासोन दिया जाता है। आप किसी पेशेंट को ऐसे ही ना दे दें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो ध्यान में रखें इस बात को कि शरीर में जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी डायबिटीज पेशेंट है उनको इंसुलिन की कमी होती है और इंसुलिन बना ही होता है जिंक से। तो अगर किसी इंसान के शरीर में इंसुलिन की कमी है तो आप उसे ऐसा कह सकते हैं कि जिंक की कमी है। तो हर हाल में शरीर में जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे जिंक बनाने के लिए कुछ टैबलेट्स आते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, हालांकि अभी मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, सब आउट ऑफ स्टॉक हो गया हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी COVID-19 का दौर चल रहा है, उन लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। अगर आपको जिंक की टैबलेट नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, इसका भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आप जिंक की टैबलेट की जगह भारी मात्रा में दूध ले सकते हैं और अंडा खा सकते हैं, और विटामिन सी के लिए आपको किसी भी खट्टे फल से मिल सकता है, लाइक नींबू, आंवला, ऑरेंज, ब्रोकली वगैरह। और याद रखें दोस्तों, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन जानलेवा है। इसलिए पानी खूब पिएं और मेडिटेशन करें, आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे, यानी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अगर कोरोना इनिशियल स्टेज में है, यानी कोरोना हुए 6-7 दिन हुए हैं, तो आप स्टीम इनहेलिंग करें यानी भाप लें, और वार्म गार्गल्स करें यानी गर्म पानी से गलगला करें, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल वाली चीज़ें यूज़ करें, ताकि आप उसे यूज़ करें और डस्टबिन में डाल के फेंक दें, और पीने में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करें। अगर आपको बुखार है तो पारासीटामोल लें, अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो पारासीटामोल के साथ साथ विटामिन सी और विटामिन डी कॉम्प्लेक्स और एंटीबायोटिक ज़रूर लें, और ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे जा रहा है तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप नज़दीकी हेल्प सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनका हेल्प ले सकते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, डॉक्टर की सलाह के बगैर आप कोई भी मेडिसिन ना दें, नहीं तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। दोस्तों अगर आप कोरोना वायरस के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक जरूर करें। अगर अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को पूरे देश भर में फैला दें, ताकि जो भी कोविड पेशेंट है उनका घर में ट्रीटमेंट हो सके और वो कोरोना से फाइट कर सके। आपकी एक शेयर लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मैदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। याद रखें दोस्तों, 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, कीप डिस्टेंस एंड वी सेफ्टी।